हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सन 2024 में कांवर यात्रा में कुछ ऐसा तांडव हो रहा है कि एक मुल्ला जी को पकड़ा और मुल्ला जी को पकड़ने के बाद कांवर यात्रा भोला ने बोला कि रोंग साइड से आ रहे थे, गुंडागर्दी करते हुए आपको साफ नजर आ रहे हैं। ये मामला मेरठ का बताया जा रहा है कि आरोप बताया जा रहा है, इस बात को गलती मनाई जा रही है कि रोंग साइड में गाड़ी ला रहे थे, थोड़ी सी जो है एक साइड लगी, जो जल जो बिखर गया था इन लोगों का, उसकी वजह से इन्होंने ये तांडव किया और ये मेरठ का मामला दर्ज बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उसमें काफ़ी लोग, तीन लोग बताए जा रहे थे, लेकिन आप वीडियो में देखें, खुद आंखों से देख सकते हैं, आपने और भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, लेकिन ये वीडियो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए और दिखाने के लिए है। इस वीडियो से किसी को ठेस पहुँचाने का कोई मकसद नहीं है और ये वीडियो किसी से रिलेटिव नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इसलिए है, जो भोले जाते हैं उनकी रॉन्ग साइड में ये कार आ रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ, जिसकी वजह से पुलिस भी वहाँ खड़ी रही, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया और वो लोग जो हैं, जो इसमें वीडियो में देख रहे हैं, ये अपना आप ऐसे ही तांडव करते रहे और पुलिस की आप देख रहे हैं कि लंबी कतार में और बेखौफ होकर ये लोग जो हैं कारों पर चढ़े हुए हैं और इस पर हमला बोला और तीन लोग जो है यहाँ से बच कर भाग चुके हैं, लेकिन एक को पकड़ लिया। लेकिन ये सरकार से ये अपील है कि इस तरह से जो भी हुआ बहरहाल, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेते हुए कांवड़ियों ने ये बात सही नहीं हुई, ये कानून अपने हाथ में लिया, ये कानून के ऊपर छोड़ देना चाहिए था, जो कानून कार्यवाही होगी वही छोड़ देना चाहिए था। लेकिन आपको वीडियो में देख रहे हैं, इस घटना का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप देख रहे हैं चालक को जो है बुरी तरीके से पीटा और कपड़े भी फटे हुए आप वीडियो में देखें, जिसकी वजह से अपना गुस्सा निकाला। लेकिन आप जानें कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि पुलिस कर्मचारी भी यहाँ खड़े हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन दोनों तरफ से इस तरह की शोर की आवाज़ आ रही है, लेकिन जिसकी वजह से कुछ नहीं पा रहे, लेकिन सिर्फ इतना ही बोला है कि जो जल बिखरा है इसको भर के लाएगा, उसकी वजह से जो है ये रॉन्ग साइड आ रहे थे, उसकी वजह से ये थोड़ी सी इनसे गलती हो गई, ये कानून को इनको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, ये जो बात है सिर्फ कानून ही संभालते। लेकिन आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि जो ये कांवरियाँ चलती है और ये भोले चलते हैं, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कांवरियाँ कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप नोटिस करना, ठीक है, मैं आपको और भी कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये सिर्फ हालांकि जो है कि हर साल जो है सावन के महीने में चलते हैं, लेकिन ऐसे केस आते रहते हैं, लेकिन किसी ने इस पर जो है नोटिस भी करा, आप देखें किसी ने इस पर कमेंट करा, किसी भी प्रकार का कोई भी कानून अपने हाथ में लें। एक व्यक्ति ने ये भी कहा यह बहुत ही गलत बात है कांवड़ियों, क्योंकि कोई भी काम जानकर नहीं करते ये समझ, और कुछ कांवड़िए इस बारे में काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं, उत्पाद मचा रहे हैं। लेकिन आपको जो है कुछ लोगों ने जो है आपको बताया कि पुलिस के जो काम किया उस पर रवैये पे और हौसला बढ़ाने के लिए, अगर इसका आजकल ये रोकना जायज़ है या किसी को भी शिकार बना सकते हैं, लेकिन इन्हें कानून अपने हाथ में नहीं थामना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों में आप देख रहे हैं कई जगह ऐसी घटना होती हैं, आप बेहतर जानते हैं, आप सोशल मीडिया अगर चलाते हैं तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया पे ऐसे ही कोई खबर लेने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे हैं रिक्शा चालक की जो है बुरी तरह से जो है उसकी सवारी को जो है डैमेज कर दिया, उसके बाद जो है आप चालक को देख रहे हैं मुजफ्फरनगर में एक कार को बुरी तरह से डेंट दिए और उसके ऊपर चढ़कर जो है रश को शुरू कर दिया। ये केस जो है हर सालाना होते रहे, लेकिन लगातार ये कई मामले जो हैं पुलिस प्रशासन जो है इसमें रवैये में जो है कुछ एक्शन में आई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सन 2024 कांवर यात्रा में ऐसा हर साल होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद है और सरकार से ये उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, जिसकी वजह से कांवर यात्रा सहूलियत से निकल सके और जो भोले होते हैं ये सुकून से अपने रास्ते पर जा सके, लेकिन ऐसा हर सालाना होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही हैरतनाक और हैरत अंगेज वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे इस चैनल को सद्दाम हुसैन अजहरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर सालाना कोई ना कोई ऐसा ही अपडेट आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हर साल कोई ना कोई केस होते रहते हैं। लेकिन आपको जो है किसी को ठेस पहुँचाने के लिए ये वीडियो नहीं है, सिर्फ ये वीडियो जो है सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ही बनाया जा रहा है,
तो आप सिर्फ नॉलेज में ही लगें और इस वीडियो को जो है आगे तक शेयर ज़रूर करना। और हमारी जो सरकार करेगी वो अच्छे के लिए करती है, हमारी योगी सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी जो भी करते हैं वो सिर्फ अच्छे के लिए करते हैं।